नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नगमा बांसल, रूमेटोलॉजिस्ट। रूमेटोलॉजिस्ट मतलब गठिया और गठिया जैसे और कई रोगों के स्पेशलिस्ट। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज 10 मई को हम ल्यूपस डे की अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ल्यूपस मतलब SLE, एक ऐसी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जो हमारी बॉडी के किसी भी अंग को दिक्कत कर सकती है। गठिया एक होता है जोड़ों की दिक्कत, पर ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों के साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, मसल वीकनेस होना, या फिर बहुत जो एक्सट्रीम ल्यूपस की बात करें तो किडनी प्रॉब्लम होना और ब्रेन की प्रॉब्लम होना। तो ल्यूपस किसी भी तरह से बॉडी को प्रॉब्लम कर सकती है। और जब हम ल्यूपस के सिम्टम्स या टेस्ट की बात करें तो वो बड़े ही वेग सिम्टम भी हो सकते हैं। वेग मतलब सिर्फ थकावट रहता है आपको, या लो ग्रेड फीवर है जिसको कई बार हम टाइफाइड कह देते हैं, इन्फेक्शन कह देते हैं। बहुत बार लोग टाइफाइड के टेस्ट ही करवाते हैं। पर अगर आपको महीने से ज़्यादा बुखार रह रहा है, जिसको हम कहते हैं पायरोक्सिस ऑफ अननोन ओरिजिन, तो वो ल्यूपस के टेस्ट करवाना, जिसको हम ANA कहते हैं, वो भी एक उसमें माना जाता है कि करवाना चाहिए। जितना जल्दी इसके डायग्नोसिस होता है वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। इसका डायग्नोसिस और भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं, किसी का अबॉर्शन बार बार हो रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं जो ल्यूपस के साथ एसोसिएटेड होती है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट भी पेशेंट भेजते हैं जब कोई प्रेगनेंसी लॉस रिकरेंट हो रहे होते हैं। तो इसको जानना और समझना, उसके लिए हमने अपने एक पेशेंट जो SLE के नॉन पेशेंट हैं, लीना मेहता जी, तो इनकी हम राय लेते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने कैसे SLE डायग्नोज हुई और कैसे इनका आगे चल रहा है। तो लीना जी, आप बताएंगे कि जब आपको 2018 में हुआ था तो SLE के आपको क्या क्या सिम्टम्स हुए थे? मुझे तो सबसे पहले तो था, भूख नहीं लगती थी। अच्छा, भूख लगनी बंद हो गई, कोई भी चीज स्वाद नहीं लगती थी जी। कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग, नोजिया जैसे होता था। अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो फिर सबसे पहले मैं इधर कोलंबिया में एडमिट हुई थी जी। जी, इधर एडमिट हुई तो डॉक्टर GS सिद्धू से मेरा इलाज चल रहा था कॉन्स्टिपेशन का। okay. वो उन्होंने क्रोनोस्कोपी की, एंडोस्कोपी की, पर वो सारे टेस्ट ठीक आए। उन्होंने एनीमा भी दिया। okay. दो तीन चार दिन एडमिट करके छुट्टी दे दी, पर मैं ठीक नहीं हुई। अच्छा। मैं घर चली गई तो, पर फिर भी ना मुझे भूख लग रही थी, ना मेरे को कुछ खाने को दिल कर रहा था, और वैसे ही वॉमिटिंग आ रही थी जी। तो फिर मेरी बेटी एम्स में दिल्ली, वहाँ मुझे वो ले गई। ठीक है, दिल्ली भी एडमिट रही। ठीक है, दिल्ली भी इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने किया, पर ये SLE तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, किसी पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो वो भी इलाज करते रहे, वो भी कोई क्रोनोस्कोपी करें, कभी एंडोस्कोपी, बिल्कुल कभी। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने वो हार के मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। अच्छा, वो कहते भी ये अकेली रहती थी, हस्बैंड इसके बाहर थे, तो हो सकता है उसको साइकोलॉजी की कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो सेक्रेटरी ने कहा इनको ऊटी घुमाने ले जाओ। अच्छा जी। मैंने उनके कहा भी मेरे को प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे नौजिया होता बहुत ज्यादा, बिना खाने भी नौजिया होता है। तो फिर मैं BLK हॉस्पिटल में एडमिट रही, उसमें दो तीन बार एडमिट हुई। पहले दो बार तो उन्होंने कभी कैंसर के टेस्ट कर रहे हैं, कभी मेरे यहाँ से लिम्फ नोड भी निकाल ली। अच्छा, उन्होंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली आपको रूमेटोलॉजिस्ट ने डायग्नोज किया। अल्टीमेटली पहले मेरा ब्लड कम हो गया था बहुत। अच्छा, 6 ग्राम हो गया। ठीक है। मेरे जो ये प्लेटलेट्स थे वो भी कम, वो 12,000 के करीब। अच्छा। तो एक तरह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर एक हुआ कि इम्यून सिस्टम कुछ बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ऐसे हमें तो पता नहीं था क्या था। नहीं। वैसे मेरे बॉडी पे कोई रैशेज भी नहीं थे उस वक्त, मुझे जॉइंट पेन्स भी नहीं थी। ठीक है। तो फिर ल्यूपस का जब इलाज शुरू किया तो आप बेटर होना, हाँ, स्टीरॉइड शायद देने शुरू किए, तो फिर मुझे भूख लगने शुरू। ठीक है। और आप जैसे बता रहे हो कि जब आपका इतना सारा एग्जामिनेशन और जब सब कुछ हुआ था, तो मतलब आप बहुत अलग अलग तरह के डॉक्टर के पास गए होंगे। हाँ, जैसे आपका चेकअप एक पेट वाले डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने भी किया, आपका हेमेटोलॉजिस्ट ने भी किया। हाँ, ठीक है, आपका न्यूरोलॉजिस्ट वालों ने भी ओपिनियन दिया होगा, मतलब साइकोलॉजिस्ट भी। तो हम देख सकते हैं कि SLE में हम मल्टीपल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली जो एक ब्रॉड में एक ट्रीटमेंट एंड में होता है वो एक रूमेटोलॉजिस्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द आपको कौन से सिम्टम आ रहे हैं। तो ये लकी थे कि इनको नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर आगे एक न्यूरोलॉजिस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी।
बट जो इन्होंने बताया कि एच बी कम होना 6, तो बहुत बार हम देखते हैं कि हम सिर्फ आयरन की टेबलेट्स लेते रहते हैं, लेकिन एच बी कम होने का एक कारण ल्यूपस भी है और बहुत सिग्निफिकेंट रीज़न है कि अगर आपका बिना मतलब आयरन की टेबलेट लेते हुए भी आपका एच बी बढ़ नहीं रहा है, साथ में आपके सेल कम होना, टी एल सी कम होना, प्लेटलेट्स कम होना, बहुत लोग फीवर होता है प्लेटलेट्स कम होते हैं, डेंगू का ट्रीटमेंट करवाते हैं पर अल्टीमेटली निकलता है एस एल बी, तो इस तरह से मल्टीपल स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। पेशेंट कई बार प्रेजेंट दूसरी स्पेशलिटी में करता है, कोई आई में करता है, ड्राइनेस ऑफ आईज एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम आई स्पेशलिस्ट के पास करते हैं, लेकिन आई स्पेशलिस्ट भी आजकल बहुत इस चीज़ में कंसर्न रहते हैं कि ये ल्यूपस ना हो, ए एन ए पॉजिटिव ना हो, ठीक है, तो उसमें वो आगे भी ट्रीटमेंट उसका करते हैं। तो बीच में ये लीना मेहता जी बड़े रेगुलर पेशेंट रही हैं, तो इनके ड्यूरेशन में हमने जब इनका थोड़ा सा पीछे बढ़ भी जाती है चीज़, तो जैसे ये रेगुलर पेशेंट है हमने एक्टिव हुए, थोड़ा सा मेडिसिन और बढ़ाई तो ये बेटर हो गई। तो ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारा फॉलोअप कैसा है और हम कभी भी डॉक्टर का साथ ना छोड़ें। तो जब भी कोई उतार चढ़ाव होता है, कोई भी बीमारी, देखिए ना हमें अंदर का पता होता है ना पेशेंट को पता होता है कि क्या हो रहा है, बट हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि पेशेंट कम से कम मेडिसिन पे अपना चले। तो अगर कभी भी इसकी ड्यूरिंग टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में कभी भी हमें गड़बड़ लगती है तो मेडिसिन के साथ करके उसको पेशेंट को फिर बेटर कर किया जा सकता है। तो अभी ये 2 महीने पहले इनकी मेडिसिन मिनिमल थी पर इनको एक भूख फिर से कम लगी, फिर से लो ग्रेड मतलब इनका ये जी कच्चा होना और थकावट रहना फिर से शुरू हुआ, थोड़ा सा बीमारी बढ़ी हुई थी, मेडिसिन दी गई और ये फिर से बेटर है। तो एक रेगुलर फॉलोअप और एक अपनी बीमारी के बारे में सचेत रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस ल्यूपस की बीमारी से लड़ने के लिए। इनके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि मुझे कभी फेस पे रैश नहीं हुई, पर जैसे धूप में रैश होना, धूप में बटरफ्लाई रैश कह देते हैं हम उसको, या फिर गर्दन पे कोई भी एक्सपोज्ड एरिया जिसमें धूप लगती है उसको रैश हो सकती है, फिंगर्स पे रैश हो सकती है, और धूप में ये बीमारी बढ़ती भी है कैसे, जैसे सिर दर्द होना, फटीगेबिलिटी रहना, थकावट ज़्यादा हो जाना, चक्कर आ जाना, बीपी कम हो जाना, या फिर लो ग्रेड फीवर होना। तो ANA की बीमारी धूप में ज़्यादा बढ़ती भी है। दूसरे नंबर पे हमारी दिक्कत आती है जैसे मांसपेशियों की दिक्कत, मांसपेशियों में कमजोरी होना, ठीक है, मसल वीकनेस होना, बाजुएं ऊपर करने में दिक्कत होना, ठीक है, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम हो सकती है ANA के साथ। तीसरे नंबर पे मैंने बताया ड्राइनेस ऑफ आइज एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ। चौथे नंबर पे गठिया जैसी प्रॉब्लम, सेम हाथों में स्वेलिंग और ये हम रूमेटॉइड फैक्टर करवा रहे हैं, NTCCP करवा रहे हैं, सब नेगेटिव आ रहा है, ESR बढ़ रहा है, CRP बढ़ रहा है, जब ANA करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, वो भी एक SLE की बीमारी है। इसके अलावा जैसे मैंने इंटरनल ऑर्गन की पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भरना, पेट में पानी भरना, लीवर में सोजिश आ जाना, किडनी में प्रोटीन निकलना, किडनी के थ्रू प्रोटीन निकलना, जैसे हम कहते हैं यूरिन में प्रोटीन आने शुरू हो गए हैं, वेट लॉस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, बालों का झड़ जाना, एलोपेशिया हो जाना, तो ये सारी डिजीज़ हम ल्यूपस में देख सकते हैं। तो एक डॉक्टर जब आपसे हिस्ट्री लेता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो डेफिनेटली हम उसको ये कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है, पेशेंट को किस लेवल तक के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस सारी टॉक का लीना जी से बात करवाने का यही एक मकसद था कि ल्यूपस की बीमारी ऐसा नहीं है कि एक बार बीमारी हो गई तो ये ठीक नहीं होती है, इसका इलाज पॉसिबल है, बट हाँ एक कॉन्टिन्यूस फॉलो शायद आपको मेडिसिन लंबी चले, कम या ज़्यादा डिपेंड करता है आपके सिम्टम पे, तो इसकी एक ज़रूरत है। तो ल्यूपस के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है, ANA क्या है, उसकी क्या अगर आपका कहीं कोई टेस्ट करवाता है ANA पॉजिटिव आता है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके इसके बारे में आप क्लियर होइए कि मुझे बीमारी है या मुझे कैसा ट्रीटमेंट लेना है, तो हम इससे बच सकते हैं। तो ल्यूपस अगर हो भी जाता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। मिनिमम कोई ट्रीटमेंट ना होना से परहेज़ करना, जैसे धूप और खाने पीने का ध्यान रखना, और मैक्सिमम जब हमारे पास अच्छी से अच्छी मेडिसिन इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। तो आज वर्ल्ड ल्यूपस डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ल्यूपस के बारे में सचेत रहिए, अपनी बीमारी के बारे में सचेत रहिए, जब आपको कोई भी दिक्कत है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट की राय लेने से कभी परहेज मत कीजिए, और हम यहाँ पे अवेलेबल है मणिपाल हॉस्पिटल में आपकी केयर के लिए। थैंक यू।